फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नित्या मॉम्स किचन। आज मैं आपके लिए छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे छोले, वो भी एक ढाबे की तरह, थोड़े झोल वाले जिसमें थोड़ा सा रस रहेगा। उस तरीके से आज हम छोले बनाएंगे और बहुत ही चटपटे और स्पाइसी, बहुत ही मजेदार। तो चलिए छोले की इस रेसिपी को अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। चटपटे छोले बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। आप चाहें तो और भी तेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लगभग मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी और थोड़ा सा मैंने इसमें राई डाला है, क्योंकि बहुत ही आज हम स्पाइसी छोले बना रहे हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ों का ध्यान रखें कि जब आप सरसों का तेल यूज़ करें तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तब आप इसमें जीरा मसाले या जो भी आपको मसाले ऐड करने हो वो डालें। अब इसके बाद मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल दिए हैं और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन डाल दिया है। अदरक लहसुन को मैंने पीसा नहीं है, सिंपल क्रश करके मैंने इसमें डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है, क्योंकि हींग से इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है। इन सबको हम अच्छी तरीके से सेकेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो गर्म मसाले खड़े हैं वो भी अच्छे से सिक जाए। इसमें मैंने 1 से 2 हरी मिर्ची डाला है। हरी मिर्च को मैंने अच्छा सा चॉप कर लिया है। ये देखिए, इन सबको हम अच्छी तरीके से सेकेंगे दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी। और आज हम थोड़े से रस्से वाले छोले ये बना रहे हैं। इसके बाद मैंने इसमें प्याज की प्यूरी ऐड कर दी है। प्यूरी को भी हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये देखिए, जो प्याज की जो प्यूरी है उसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड की है। बिल्कुल दोस्तों, मैंने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से छोले ये जो बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हर घर में नॉर्मली इसी तरीके से छोले बनते हैं, मेरे घर में भी इसी तरीके से छोले बनते हैं, मेरी मम्मी भी इसी तरीके से छोले बनाती हैं, क्योंकि थोड़े से रस्से वाले होते हैं जो मेरे घर में बहुत पसंद किए जाते हैं। ये देखिए, जो टमाटर की प्यूरी है उसको भी हम अच्छी तरीके से सेक लेंगे, जब तक कि ये जो है ना, इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और टमाटर और प्याज का कच्चापन इसमें बिल्कुल ना रहे। जैसे ये थोड़े से सिक जाएंगे, हम इसमें कुछ अपने घर के ही मसाले दोस्तों इसमें ऐड कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर छोटे चम्मच से 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर इसमें डाला है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और दोस्तों हम इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। बहुत ही मजेदार रेसिपी है दोस्तों, बहुत पसंद आएगी। आप इन्हें राइस के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी, पराठे, किसी के साथ भी, इस तरह के रस्से वाले जो छोले वो आप इस तरीके से बनाकर कभी भी किसी के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, जो मसाले हैं उन्हें हमें अच्छी तरीके से सेकना है, ताकि जिसमें कोई भी कच्चापन ना रहे और खाने में ये बहुत ही अच्छे लगे आपको। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया और जो पानी मैंने यूज़ किया था वो कोरोना लिया था। इसको हम ढककर थोड़ा सा मसाला जो है वो अच्छी तरीके से सेक लेंगे, तब तक कि जो मसाला है वो हमारा तेल ना छोड़ दे। इनको हम अच्छी तरीके से, ये देखिए जो मसाला है वो अच्छी तरीके से सिकने लगा है। आपको अलग ही दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि जो मसाले का टोटली कलर भी चेंज हो गया है और जो मसाला है उसमें थोड़ा सा तेल भी छोड़ दिया है। इसको थोड़ा सा हम ढककर और रख देंगे, ताकि आपको जो थोड़ा और है वो और अच्छे से पक जाए। और दोस्तों, ये जो मसाला जब अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें अपने छोले मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा और चलाएंगे। यहाँ गैस की फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर लिया है, क्योंकि जो मसाला है वो हमें सबसे अच्छी तरीके से पकाना है। अब इसमें मैं उबले हुए छोले डाल दूंगी। छोले उबालने से पहले मैंने इसको रात भर भिगो कर रखे थे, फिर इसको मैंने बॉइल कर लिया है। कई लोग इस टाइम पे आलू भी डाल देते हैं, ताकि जो आलू से जो ग्रेवी है बहुत अच्छी बनती है। मैं आज सिर्फ आपको सिंपल छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि तरी वाले छोले हैं। कई लोगों के घर में इस तरीके के छोले बनाए जाते हैं जो थोड़े से रस्से वाले होते हैं, जिनको हम राइस के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी दोस्तों हम सर्व कर सकते हैं और खाने में दोस्तों बहुत ही अच्छे भी लगते हैं ये। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो छोले हैं वो मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब मैंने दोस्तों यहाँ पर गुनगुना पानी यूज़ किया है, तो गुनगुने पानी से क्या है, जो मसाले हैं वो कच्चेपन भी नहीं रहेगा और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। आप भी दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखें कि आप तरी की अगर कोई सब्जी बनाते तो थोड़ा गुनगुना ही पानी इसमें डालें। स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक भी डाला है। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और छोले को ढककर हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, ताकि जो मसालों के साथ है वो छोले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। दोस्तों, खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है दोस्तों। हमेशा हर घर में है, हर इंडियन फैमिली में इस तरीके के छोले बनाए जाते हैं। ये देखिए, हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको हम अच्छे से बॉयल होने देंगे, ताकि जो पानी ऐसा ना रहे कि हमारे पानी पानी अलग रहे और छोले अलग रहें। इनको हम जब तक अच्छे से बॉयल करेंगे, जब तक कि जो छोले हैं वो अच्छे से परस्से में मिक्स ना हो जाए, ग्रेवी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए, ताकि आपको अलग अलग ना दिखे। जब ये थोड़े से उबल जाएंगे, मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डाली है और थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड किया है। ये दोस्तों मेरे घर का बना हुआ ही गर्म मसाला मैं यहाँ यूज़ करती हूँ।
इन सबको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लास्ट टाइम दोस्तों मैंने आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर की थी, जिसमें भी मैंने बिरयानी का मसाला वो भी घर में मैंने बनाया हुआ था और बिल्कुल हमने रेस्टोरेंट स्टाइल बिरयानी बनाई थी। आप वो रेसिपी भी मेरी चेक कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ये देखिए जो छोले हैं वो हमारे अच्छे से उबल गए और अच्छे से पानी में मिक्स भी हो गए हैं और अच्छे से ग्रेवी में भी मिक्स हो गए हैं। ये हमारे जो तरी वाले छोले हैं दोस्तों वो बनकर तैयार हो गए हैं। इस तरीके से आप कभी भी छोले बना सकते हैं दोस्तों, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इनको आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा रसीले बनते हैं, मेरे घर पे इसी तरीके के बनाए जाते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। पसंद नहीं आ रही हो दोस्तों तो डिसलाइक भी करें और मुझे ये भी बताएं कि आप किस तरह की रेसिपी पसंद करेंगे। थैंक यू।